देखिए ये जो खबर आई नारायणा से 20 बच्चों जो मारे हुए हैं, क्या आप अपडेट मिली है एमएस से आपकी कोई बात? देखिए यहाँ लगभग 16 बच्चे हैं, बाकी बच्चे आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता पहुँच गए हैं, बच्चे वहाँ भी सकुशल हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चों को ऑक्सीजन लगानी पड़ी, लेकिन सारे बच्चे अब सकुशल हैं। मेरे साथ अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी थे, वो खुद उन चीज़ों की चिंता करें, सारी डॉक्टर की टीम है। जानकारी जो बच्चे बता रहे हैं कि उनका लंच टाइम था, उसी समय एक गैस की कुछ स्मेल आनी शुरू हुई और धीरे धीरे वो स्मेल इतनी बढ़ी कि उन सब बच्चों को उल्टी और घबराहट होने लगी। तो वहाँ के टीचर और ये सब उठा के, लेकिन मैंने भी पता किया तो वहाँ एक भी सुरक्षा गार्ड स्कूल में नहीं है। गंभीर विषय है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन ईश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइमली यहाँ आ गए, और सभी ये डॉक्टर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इमीडिएट इन्होंने कार्रवाई करते हुए अब सारे बच्चे सुरक्षित। देखिए यहाँ जो बच्चे हैं या जो टीचर्स हैं उनसे मैंने पूछा, उनको भी रीज़न नहीं पता है। एक बार बेहतर होगा वहाँ जाके उसको जांच लें, लेकिन गैस का इतना ज़बरदस्त प्रभाव होना और इतनी बड़ी मात्रा में बच्चों का एक साथ बेहोशी आना या उनको उल्टियाँ आना और इस तरह से तबीयत खराब होना, ये दिल्ली में चिंता का विषय है और नगर निगम को देखना चाहिए कि ऐसा कारण क्यों है। इसकी एक अच्छी जांच भी होनी चाहिए और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ओनली स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड और एडल्ट्स आर आल्सो अफेक्टेड? नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए ही है, बड़ा टीचर वगैरह वहाँ पर है उनको कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसलिए कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कि रेलवे ट्रैक वहाँ से कितनी दूर है, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि हम अपने कमरे में बैठे थे और अचानक अगर रेलवे ट्रैक से हो रहा था तो थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे भी तो बच्चे थे, एक ही फ्लोर पे ये क्यों हुआ है? जांच का विषय है, लेकिन मैं आरएमएल के डॉक्टर्स को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों को सुरक्षित कर लिए। अभी भी 4-5 बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई है, मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगे।